काफ़ी लोग मुझे बहुत टाइम से कह रहे हैं, दो तीन ही है, ज़्यादा नहीं है, सनशेड में कौन सी यूज़ करता हूँ, साइड कर्टेन में कौन सी यूज़ करता हूँ, तो देख लो ये वाले यूज़ करता हूँ, बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, चलाना हो सकता है अपने रिस्क के ऊपर लगाना। मैं क्यों लगाता हूँ, जब धूप में गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रहती है तो गर्म ना हो, चलती गाड़ी में बहुत कम महीने लगाता हूँ, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ के जहाँ इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ठीक है, ये देख लो साइड से ऐसी दिखाई देती है गाड़ी, पीछे का फुल है, साइड का हाफ है, क्योंकि ताकि मिरर में पीछे का दिखाई दे सके, अगर ये फुल हो गया तो मिरर में कुछ नहीं दिखाई देगा और एक्सीडेंट होगा, इसलिए आगे वाला सिर्फ हाफ। अब पता नहीं सनबर्न है, क्या नाम है, सनबैन जो भी है, ऐसे हैं, थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छी है, टाइट है, साइड में मेटेलिक रोड है, सक्शन वाला नहीं है, एकदम एज टू एज फिट होता है। ये देख लो, आफ्टर मार्केट लिए थे 350 रुपीज़, 350 मतलब, ठीक है। बाहर से अंदर से आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ, चलो बाहर अंदर से कितना दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। काफ़ी बार जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ अंदर बैठ के, तो बाहर की लाइट अंदर ना आए, इसलिए भी मैं इन्हें लगाता हूँ। ओके, 350 रुपीज़, चारों पीस, आगे के हाफ, पीछे के फुल। एक चीज़ का ध्यान रखना, खासकर पीछे, जब भी आप इन्हें ऊपर करोगे, विंडोज़ को जब आप नीचे करोगे, ऊपर करोगे, नीचे कर लेना सनशेड लगाने के बाद, ऊपर मत करना। काफ़ी बार क्या हुआ, सनशेड लगी हुई थी, मैंने ग्लास नीचे किया, ऊपर किया तो ग्लास बाहर निकल गया, इस पैनल से बाहर आ गया एकदम, क्योंकि सनशेड बीच में आ गई थी। तो जब भी आप करोगे, ठीक है, कोई भी एक कॉर्नर को ऐसे करके, विंडो ऊपर करके, फिर इसे वापस लगाना, वरना ये दोनों साइड के जो भी है विंडोज़, इनमें दिक्कत आ जाएगी। आगे पीछे के खासकर मेरे में दिक्कत हुई है, दो बार कांच बाहर ही निकल गया, ठीक है, विंडो की दिक्कत नहीं है, इसमें मेटालिक रोड है सनशेड में, तो वो बीच में आएगी तो ऑब्वियसली ग्लास बाहर चला जाएगा। तो बस एक इस चीज़ का ध्यान रखना, और कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही, इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि भैया बताओ सनशेड कौन से यूज़ करते हो।